गंगा जल की कितनी मान्यता है और कितनी वैल्यू है और वो आप यहाँ से देख सकते हैं। भगवान की जय। और गाइस हमारी यहाँ से जल भरने की यात्रा चालू हो चुकी है। रात के 10 बजे मैं और वासु हम दोनों निकल चुके हैं जल भरने के लिए। और गाइस आपको पूरी अपडेट देंगे इस गंगा जल भरने की और भगवान भोले बाबा को चढ़ाने तक की पूरी अपडेट, ठीक है। हर हर महादेव। भाई सिस्टम खतरनाक है गाइस, सिस्टम गाइस पूरा सिस्टम जाम है, पूरा सिस्टम जाम सामने देख सकते हो। और हम निकले जा रहे भाई, फर्स्ट टाइम यहाँ पे नंगे पैर चलेंगे और मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं कावड़ यात्रा का, तो फर्स्ट टाइम चलेंगे। राइट लॉन्ड देखो भाई, ठीक है, 5 साल का लगातार एक्सपीरियंस है बट मेरे को नहीं है। तो गाइस एक मनोकामना थी और कोशिश है, कर रहे हैं, ठीक है। बोल शंकर भगवान की जय। गाइस तो बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि आखिरी टाइम चल रहा है बिल्कुल कावड़ यात्रा का और उसके बाद कल को सुबह को 8 बजे जल चढ़ेगा ना, इसीलिए ये देखो भाई बहुत भीड़ है भाई। इसे वाइड एंगल में दिखा सकता बट ये देखो सारी सिस्टम है पूरा। ओ भाई साहब, तो गाइस अभी लगभग 1.5 किलोमीटर अराउंड आ गए हम, देख रहे हो। ओ सिस्टम, ओए सिस्टम चल रहा भैया। बोले ना रहे भाई सरकारी नल के पास है भाई, क्या सिस्टम है भाई, जब यहाँ जहाँ बोले आ जाना वहाँ सिस्टम सारा बदल जा। तो गाइस अभी हम 2 थे और 2 से भले हो गए 4 और यहाँ मिल चुके हैं 4 और हम 4 हुड़दंग मचा के सीधा चलेंगे हर की पैड़ी और गंगा जल लेने चलते हैं। और बोल बम का नारा है और एक बार नारा लगाते हैं, बोल शंकर भगवान की बोल बम बोल बम बम बम। क्या बात है, चलो गाइस चलते हैं और हर की पैड़ी की और मस्त घूमते फिरते और पापा का नाम लेके चलते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। जैसे सिस्टम करके लाइट करना ना डीजे बजाने रखा, देख रहे हो भाई। तो अभी हम कनकल वाले रोड पे चले पीछे पीछे बैरागी कैंप की साइड को। तेरे नाम की जोत ने सारा हल लिया था मस मेरा। हमारी पैदल यात्रा अभी पहुंच चुके दक्षेश्वर महादेव मंदिर तक। ये देखो दक्षेश्वर महादेव मंदिर तक अभी हमारी पैदल यात्रा चलती है। यहाँ पे हर की पैड़ी पे जा रहे तो भैया हमने सोचा चलो ठीक है एक साफा भी ले लेते हैं महाकाल का। और भैया ओ भाई क्या वाले सिस्टम, चलो चलते धीरे धीरे अपने साथ चलने वाले जो भोले के भगत हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और जान पहचान वाले बढ़ते जा रहे हैं, मैं हर की पौड़ी में तो मुझे लग रहा है हर की पौड़ी ना जान पहचान वाले मिल जाए बट बाकी महाकाल का ये जो साफा है वो पहन के चल रहे हैं और गंगा जल भरने चलते हैं और फिर सुबह को घर जाके अपने मंदिर पे गांव के मंदिर पे जल चढ़ाएंगे और भोले बाबा का आशीर्वाद पाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये देखो गाइस कितने भोले आ रहे सीधा जल भरने के लिए यहाँ पे। और अभी हम खड़े हैं यहाँ पे शंकराचार्य चौक और ये देखो भाई सामने का गजब व्यू। और हम चल रहे हैं अमरापुर घाट की ओर, अमरापुर घाट। ओहो हो, हर हर गंगे जय माँ गंगे हर हर गंगे। चलो जा रहे हैं यहाँ पे हर की पैड़ी, बस यहाँ से
राउंड राउंड 1.5 किलोमीटर के राउंड पड़ रहे हो भाई। देखो डेढ़ से ज़्यादा, दो और क्या ज़्यादा क्या है भाई, हैं उस चल ठीक है, तीन होगा बस, और बता गाइस 3 किलोमीटर है और अपन नंगे पैर है भाई, कंटिन्यूसली याद रखना। जो अपनी ये यात्रा है वो नॉन स्टॉप है, हम कहीं नहीं रुके, मोस्टली जो रुके होंगे 2 या 3 मिनट रुके होंगे, ज़्यादा नहीं, और बाकी हम चले जाए सीधा हर की पैडी की ओर गंगा जल लेने के लिए। और आपको बताइए फिर हम क्या करेंगे, बोले बाबा जल चढ़ाएंगे जितनी बार बता दिया, और बाकी सब चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चलिए भाई। अभी गंगा जल बढ़ने के लिए हम यहाँ पे भैया जी से कैन ले रहे हैं, एकदम भरोसा करके ले जा रहे हैं, ठीक है, और बाकी हम ऑलमोस्ट हर की पैड़ी में पहुंच चुके हैं। कैन के साथ हम बढ़े जा रहे हैं ब्रह्म कुंड की ओर, जहाँ पे हम पहले स्नान करेंगे और फिर वहाँ से गंगा जल प्यारा प्यारा और पवित्र पावन गंगा जल भरेंगे और लेके चलेंगे महादेव जी पे चढ़ाने के। गाइस देख रहे हो सामने सारे भोले विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरे दिन भर के थक जाते हैं चलते फिरते दौड़ते, और ये देखो सब यहाँ पे विश्राम कर रहे हो। ये है हर की पैड़ी के रात के 12:30 बजे के दर्शन, ये देखो अभी भी जनता भाई सब पूरी है और भोले सब है भाई, A to Z। ये देखो कुछ विश्राम कर रहे हैं, कुछ चल फिर रहे हैं, क्योंकि हर की पैड़ी है इसलिए, है ना भाई, सारा मतलब जन सैलाब यहीं आ गया भाई साहब। और ये देखो गंगा जल की कितनी मान्यता है और कितनी वैल्यू है, और वो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो, और सारा गंगा जल का पानी यहाँ पे, गंगा जी का पानी थोड़ा नीचे कर दिया, कम कर दिया इस साइड से, देख रहे हो, और गंदगी भाई ये देखो चारों तरफ कपड़े लत्ते हर तरफ चप्पल जूते, ये सबसे गलत बात है जो चीज़ यहाँ पे की गई है ना, और वो भी इतने पवित्र स्थान ब्रह्मकुंड के पास, यहाँ पे इतनी दर्जनों भरी चप्पल है ना भाई कि मुझे तो अब चप्पल से ही नहीं होगी भाई, देखो कितनी चप्पल पड़ी भाई, जब जनता है और पब्लिक इतनी आ रखी भाई, भोले इतने भोले आ रखे तो उनकी चप्पलें भी इतनी होगी ना। ये देखो भाई भाई महाशिवरात्रि के इस पर्व पे देखो क्या सीन है भाई, सिस्टम सिस्टम हैंग है भाई हर की पैड़ी पे। तो गाइस हम तो चले गंगा जी में डुबकी लगाने। बाहुबली गंगा जल भर के आगे क्या बात है, बहुत आठ और गंगा जल भर के आगे बाहुबली। और गाइस इसी के साथ हमने कर लिया यहाँ पे गंगा स्नान, और ये देखिए गाइस फुल भीड़ है भाई, फुल भीड़, ये था सीन यहाँ पे हर की पैड़ी का, जब हम गंगा जल लेने के लिए आए और आपको भीड़ दिखा दी, और बाकी सीधा चलते हैं गाँव की ओर और मंदिर की ओर, और फिर सुबह तक जल चढ़ा देंगे, अभी 2 बजने वाले हैं करीब करीब, और जल्दी चलते हैं, ठीक है। हर भगवान की बोल बम बोल बम फोग आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे देखो कितना रात के 2:30 बजे का ये नज़ारा है हर की पैड़ी का, और ये देखो, और हम चले जा रहे हैं सीधा अपने घर की ओर गंगा जल लिए, ठीक है। देखो गाइस एक और नज़ारा यहाँ पे आता हुआ गंगा मैया का, और ये देखिए वाह, रात के 2:30 बजे का ये नज़ारा है, जिसके ऊपर यहाँ पे गंगा मैया के ऊपर फोग आ चुका है, देखो बिल्कुल क्या बात है, बोलो गंगे मैया की जय। अभी हम कनखल में हैं और भाई साहब बहुत फीलिंग प्राउड फील कर रहे हैं कि भाई साहब गंगा जल लेके जा रहे हैं यार, बहुत पवित्र काम हो रहा है, और पहली बार पैदल हम ये
यात्रा कर रहे हैं कावड़ की और गंगा जल लेके जा रहे हैं। भाई हमने कई सालों से करते हुए देखा है सबको, बट पहली बार खुद कर रहे हैं, तो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखो नंगे पैर चल रहे हैं, ठीक है, और बाकी रुक नहीं सकते क्योंकि पहुंचना भी है सुबह को 8 बजे तक, ठीक है। तो कोशिश है अपनी जल्दी से जल्दी करें, और क्योंकि थोड़ी एनर्जी डाउन हो रही है, बट कोई बात नहीं, दम अपने अंदर पूरा है और भोले बाबा की भक्ति भी पूरी है, ठीक है, बोल बाबा। और गाइस इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे गंगा जल लेकर श्री दक्षेश्वर महादेव जी के मंदिर, और यहाँ पे चढ़ाएंगे जल, गंगा जल, हर हर महादेव। गाइस यहाँ पे 3:30 बजे सारे भोले भक्त आ चुके हैं भाई, भोले बाबा वे जड़ चलाने के लिए, हर हर महादेव। और ये है दक्षेश्वर महादेव जी का मंदिर, और गाइस इसी के साथ सक्सेसफुली हमने जल चढ़ा दिया यहाँ पे श्री दक्षेश्वर महादेव जी पे, और इसी के साथ 3:30 बजे यहाँ पे वर्षा आ चुकी है, घनघोर बहुत तेज वर्षा आ गई है, और सारे भक्तजन यहाँ पे जुट चुके हैं जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये है पावन महाशिवरात्रि का दिन, मतलब हर हर महादेव। और गाइस जो संकल्प था नंगे पैर का वो भी पूरा हुआ, और यहाँ पे दक्ष मंदिर पे आके जल चढ़ा दिया, बाकी गंगा जल घर लेके चलते हैं और सब घर में चलाएंगे, ठीक है, निजी मंदिर में, ठीक है, बोलो हर हर महादेव। और पीछे वहाँ पे सारे बोले जा रहे हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और करता हूँ आपको अच्छी, ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव, बम बम बोले, जय जय हो शंकर।